नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके बताएंगे कि इंडिया से नॉर्वे तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहले आपको कह देता हूँ कि सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन यानी कि आपके लोकल ट्रेवल एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि makemytrip.com, yatra.com, musafir.com etc etc। एक बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिया से नॉर्वे तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है, लेकिन एक्चुअली मैं बना रहा हूँ नई दिल्ली से ओस्लो तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। नई दिल्ली और ओस्लो इंडिया और नॉर्वे की कैपिटल से। नई दिल्ली से ओस्लो तक की एरियल डिस्टेंस तकरीबन 6000 किलोमीटर से। नई दिल्ली से ओस्लो तक की डायरेक्ट फ्लाइट फिलहाल एट प्रेजेंट नहीं है और कनेक्टिंग फ्लाइट से तकरीबन 12 से 17 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज। नॉर्वे की करेंसी को कहते हैं नॉर्वेजियन क्रोन और एक नॉर्वेजियन क्रोन जो है वो बनते हैं 8 इंडियन रुपए और एक इंडियन रुपए बनते हैं 0.12 नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे में सिर्फ एक ही टाइम जोन है और नॉर्वे की जो टाइम है वो -3.5 आवर्स बिहाइंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जब नई दिल्ली में सुबह को 10 बजते हैं सेम टाइम ओस्लो में सुबह को 6:30 बजते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं नई दिल्ली से ओस्लो तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में। तो ये हो गया फ्लाइट्स नई दिल्ली से ओस्लो नॉर्वे तक, और सबसे सस्ती फ्लाइट जो है वो इंडिगो दे रहे हैं और फ्लाइट की प्राइस है 22,066 रुपीज। ये नई दिल्ली से जाएंगे सुबह को 6:35 को और ओस्लो पहुंचेंगे नेक्स्ट डे 1:35 पीएम को। टोटल फ्लाइट टाइम जो है 34 आवर्स 30 मिनट्स है, वाया इस्तांबुल है और इस्तांबुल में 23 आवर्स 35 मिनट्स ले ओवर है। तो बहुत ही लंबी फ्लाइट है इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो ये बहुत सस्ती फ्लाइट में मिल रहे हैं और अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस फ्लाइट को ले सकते हो। चलिए एक बार फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये फ्लाइट जो है ये इंडिगो नई दिल्ली से जाएंगे सुबह को 6:35 को और टोटल 7 घंटे 10 मिनट के बाद पहुंचेंगे इस्तांबुल टर्की, टर्की के टाइम 11:15 पे। और बैगेज जो है चेक इन बैगेज 30 केजी दे रहे हैं और केबिन बैगेज 7 केजी दे रहे हैं। उसके बाद चेंज ऑफ प्लेन से 23 आवर्स 35 मिनट्स ले ओवर है इस्तांबुल टर्की में। और नेक्स्ट फ्लाइट जो है ये ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरलाइंस है जो कि इंडिगो की पार्टनर एयरलाइंस है। ये इस्तांबुल टर्की से जाएंगे सुबह को 10:50 इस्तांबुल टाइम में और 3:45 के बाद ओस्लो नॉर्वे पहुंचेंगे नॉर्वे टाइम 1:35 पीएम को। और जो बैगेज है वो सेम दे रहे 30 केजी 2 पीस ओनली और केबिन बैगेज 7 केजी 1 पीस ओनली। तो ये हो गया पहली वाली फ्लाइट, सबसे सस्ती वाली फ्लाइट, लेकिन बहुत ही लंबी फ्लाइट ड्यूरेशन है, 22,000 में मिल रहे हैं 34 आवर्स 30 मिनट्स पे। नेक्स्ट फ्लाइट जो है एलओटी पोलिश एयरलाइंस दे रहे हैं, ये फ्लाइट प्राइस है 27,365 और ये सिर्फ 14:25 है, वाया वार्सो जाएंगे पोलैंड और पोलैंड में 4 घंटे ले ओवर है। और नई दिल्ली से जाएंगे सुबह को 8 बजे और पोलैंड के बाद नेक्स्ट ओस्लो पहुंचेंगे 6:55 शाम को ओस्लो नॉर्वे टाइम में। फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो एलओटी पोलिश एयरलाइंस जो है ये नई दिल्ली से जाएंगे सुबह को 8 बजे और 8:20 के बाद पहुंचेंगे वार्सो पोलैंड, पोलैंड टाइम 12:50 पे। और यहाँ पे बैगेज दे रहे हैं 23 केजी चेक इन और 8 केजी केबिन बैगेज। उसके बाद 4 घंटे ले ओवर है वार्सो पोलैंड में और उसके बाद पोलैंड से जाएंगे ओस्लो नॉर्वे, पोलैंड टाइम 4:50 शाम को और 2:05 के बाद पहुंचेंगे नॉर्वे, ये पहुंचेंगे 6:55 पीएम को और जो बैगेज है वो सेम ही है। उसके बाद आते हैं लुफ्थांसा, लुफ्थांसा की प्राइस है 31,091 और 13 आवर्स है वाया म्यूनिक और म्यूनिक में 2:35 ले ओवर है। एक बार फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं। चलिए तो ये जो लुफ्थांसा एयरक्राफ्ट है ये नई दिल्ली से जाएंगे रात को 1:20 पे और 8:15 के बाद पहुंचेंगे म्यूनिक जर्मनी, म्यूनिक टाइम 6:05 सुबह को और बैगेज जो है 23 केजी दे रहे वन पीस और केबिन बैगेज 8 केजी दे रहे वन पीस। और चेंज ऑफ प्लेन से नेक्स्ट 2:35 ले ओवर म्यूनिक पे और म्यूनिक में जाएंगे सुबह को 8:40 पे, 2:10 बाद पहुंचाएंगे ओस्लो नॉर्वे 10:50 पे और बैगेज सेम ही है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं एयर फ्रांस जो कि 31,245 है और फ्लाइंग टाइम है 14 आवर्स 45 मिनट्स। नेक्स्ट आ गया केएलएम रॉयल डच 31,235 और फ्लाइट ड्यूरेशन है 13 आवर्स 15 मिनट्स। तो आप देख सकते हो 25,000 से लेके 35,000 तक आपको मिल जाते हैं इकोनॉमी क्लास में नई दिल्ली से ओस्लो तक। तो इकोनॉमी के बाद अभी चेंज करके देखते हैं बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट प्राइस कितना है नई दिल्ली से ओस्लो तक। तो सर्च कर रहा हूं अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो जो फिन एयर है, फिन एयर की बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट से 1,24,276, ये वाया हेलसिंकी फिनलैंड जाएंगे और फिनलैंड में 1:25 ले ओवर है। नेक्स्ट है लुफ्थांसा जो कि 1,27,692 है, ये वाया म्यूनिक जाएंगे 2:35 ले ओवर है। और नेक्स्ट लुफ्थांसा और एक है 1,28,476। उसके बाद फिनएयर है, फिनएयर की 1,24,276, लुफ्थांसा फिर से है 1,28,476
और ब्रिटिश एयरवेज है 1,37,765। तो मिनिमम 1,25,000 के आसपास से नई दिल्ली से ओस्लो तक बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट्स की। चलिए अभी इसको चेंज करके फर्स्ट क्लास चेक करते हैं, नई दिल्ली से ओस्लो तक फ्लाइट टिकट्स है कि नहीं। तो सर्च कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो एमिरेट से फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स नई दिल्ली से ओस्लो तक वाया दुबई जाएंगे। ये नई दिल्ली से जाएंगे सुबह को 4:15 पे और वाया दुबई जाएंगे, दुबई में 1 घंटे 10 मिनट लेओवर है, और ओस्लो में जाएंगे 12:35 ओस्लो टाइम दोपहर को। और प्राइस जो है काफी ज्यादा है, 3,88,557 है। नेक्स्ट और एक फ्लाइट है सेम प्राइस ही है, और उसके बाद और एक एमिरेट्स फ्लाइट है ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है, लेकिन टाइम्स अलग अलग है। चलिए एक बार फ्लाइट डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नई दिल्ली से जाएंगे एमिरेट्स सुबह को 4:15 में और टोटल 3 घंटे 35 मिनट लाएंगे, और उसके बाद सुबह को 6:20 दुबई टाइम में दुबई पहुंच जाएंगे। और बैगेज जो है 50 kg चिकन बैगेज दे रहे हैं और केबिन बैगेज 14 kg दे रहे हैं 2 पीस × 7 kg। उसके बाद चेंज ऑफ प्लेन से 1 hour 10 minutes लेवर इन दुबई है, और दुबई से सुबह को 7:30 दुबई टाइम में जाएंगे और 7 घंटे 5 मिनट के बाद पहुंचेंगे ओस्लो नॉर्वे 12:35 पे। तो बैगेज सेम ही है। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट प्राइस हो गया। तो दोस्तों उम्मीद आपको पता चला कि नई दिल्ली से ओस्लो यानी कि इंडिया से नॉर्वे तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल आज यही पे खत्म करें वीडियो को, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।